Ladies and gentlemen, welcome to Ifactner.com's English Grammar Lessons in Hindi and Urdu Video Tutorial Series. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को कब यूज करते हैं और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स सिंपल फॉर्म में नेगेशन फॉर्म में यानी कि नेगेटिव फॉर्म में और इंट्रोगेटिव फॉर्म में सवालिया फॉर्म में क्या क्या होती हैं। आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिस तरह के इसके नाम से ही जाहिर होता है कि सिंपल टेंस है, जिससे कोई भी फैक्ट हो कि जमीन गोल है तो उस वक्त हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे, या फिर कोई हैबिट हो, मैं रात को जल्दी सोता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात कर रहा हूं और इसी चीज को हम इंग्लिश में भी इसी तरह यूज करते हैं। या फिर कोई हॉबी हो, जिस तरह उसे यूट्यूब की वीडियोस देखने का शौक है, वो यूट्यूब की वीडियो बहुत शौक से देखती है, या फिर कोई डेली इवेंट हो कि आज कौन आया है, आज क्या हुआ है, इस तरह का, या फिर कोई भी स्केड्यूल्ड इवेंट हो जिसके एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे, या फिर कोई ऐसी चीज जो आमतौर पे होती हो, जिस तरह बस यहां पे 11:30 बजे आएगी, गर्मियों में सूरज बहुत चमकता है। तो अब हम देखते हैं कुछ सिंपल इसके रूल्स जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस आसान टेंस है, इसमें वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई, यू, दे, यू पीपल और वी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जबकि ही, शी, इट के साथ जो सिंपल टेंस सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब में एस ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूं। यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं। ही वॉक्स इन द इवनिंग, वो शाम में चलता है। अब अगर यहां पे होता आई वॉक इन द इवनिंग तो एस नहीं लगता। शी टॉक्स टू मच, वो बहुत बात करती है, बहुत बातें करती है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये चीज बहुत तेज दौड़ती है। अब याद रखें कि कोई भी बेजान चीज हो, जैसे गाड़ी, साइकिल, कोई भी चीज हो, या फिर जानवर वगैरह हो, तो उसके साथ हम उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। ठीक है जी, इट रन्स वेरी फास्ट। दे क्लीन, वो साफ करते हैं। और वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की नेगेशन, नेगेटिव फॉर्म में हम इसको कैसे यूज करते हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जी, हमने कहा था आई वर्क इन अ कंपनी, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं कंपनी में काम नहीं करता, तो आप सिंपली कर देंगे आई डू नॉट, डू नॉट ऐड कर दें, आई वर्क इन अ कंपनी, आई डू नॉट वर्क इन अ कंपनी, मैं कंपनी में काम नहीं करता। और डू नॉट को शॉर्ट करके हम आमतौर पे इस तरह लिखते हैं डोंट, इसको पढ़ते डी ओ एन अपोस्ट्रॉफी टी, डोंट, आई डोंट वर्क इन अ कंपनी। इसी तरह यू के साथ एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा था यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स, नेगेटिव फॉर्म में यू डोंट वॉच माई ट्यूटोरियल्स। मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट के साथ और एक सिंगुलर पर्सन के साथ, जिसमें जान, जेन, उनके साथ एस लगता है वर्ब के साथ। नेगेटिव फॉर्म में हम वो एस हटा के
डू के साथ लगाते हैं और वो ई एस लग हो जाता है, डज। डू की जगह डज। ही वॉक्स इन द इवनिंग कहा था हमने, ही डज नॉट वॉक इन द इवनिंग, वो शाम में नहीं चलता। और शॉर्ट करके डज नॉट को हम डजेंट लिखते हैं और पढ़ते हैं, ही डजेंट वॉक इन द इवनिंग। इसी तरह शी डजेंट टॉक टू मच, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करती। इट डजेंट रन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज नहीं भागता। दे डोंट क्लीन, हमने कहा था दे क्लीन, और वो सफाई नहीं करते, तो सिर्फ डोंट ऐड कर दिया हमने, दे डोंट ईट। और वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वी डोंट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखते। अब लेते हैं जी इसकी इंट्रोगेटिव फॉर्म। आई वर्क इन अ कंपनी, क्या मैं कंपनी में काम करता हूं? तो सिर्फ आपने आई वर्क इन अ कंपनी के आगे डू लगा दिया, डू आई वर्क इन अ कंपनी, और आखिर में जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में क्वेश्चन मार्क से एंड कर रहे हैं सेंटेंस को, तो इंग्लिश में भी वही करेंगे। क्या मैं कंपनी में काम करता हूं? डू यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स, क्या आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते हैं? अब देखें सिंपल टेंस में ही के साथ वॉक्स था, वर्ब के साथ एस लगता था, ही वॉक्स इन द इवनिंग। लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में वो एस हट के डू के साथ लग गया और वो ई एस बन जाता है। डज ही वॉक इन द इवनिंग, क्या वो शाम में चलता है? डज शी टॉक टू मच, क्या वो बहुत बातें करती है? डज इट रन, ये देखें गलती है, डज इट रन वेरी फास्ट, क्या ये बहुत तेज भागता है? डू दे क्लीन, क्या वो सफाई करते हैं? डू वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं? तो ये हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म देखी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब टाइम हुआ है छोटी सी एक्सरसाइज का। आपने वॉक के वर्ब को लेते हुए पहले आई सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है, जिस तरह आई वॉक, You walk, he walks, she walks, it walks, they walk and we walk। और इसी तरह इस वर्ब को यूज करते हुए आपने नेगेटिव फॉर्म में इन 5-6-7 प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, और फिर आपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में, सवालिया फॉर्म में भी इस वर्ब को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। और अगर आपको के पास टाइम हो तो आप टॉक के साथ भी कर सकते हैं ये काम, स्पीक के साथ भी कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आई वॉक इन द इवनिंग, यू वॉक इन द आफ्टरनून, ही वॉक्स स्लोली, इस तरह थोड़े से एक दो एडजेक्टिव ऐड कर लें या सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करके कोशिश करें कि आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में, अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, good day।